फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, उंधियू के वीडियोस यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब भी हम घर पे उंधियू बनाते हैं तो टेस्ट में तो अच्छा बन जाता है, लेकिन टेक्सचर में उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो आज सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ रजवाड़ी उंधियू, जिसका टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा मिलेगा और खाने में सुपर टेस्टी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से म्यूजिक के बाद, लेट्स गो। रजवाड़ी उंधियू बनाने के लिए सबसे पहले हम मुठिया बनाएंगे। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे हाफ कप धनिया के डंठल, डंठल के अरोमा बहुत अच्छे आते हैं। एक हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 7 से 8 लहसुन की कलियां, पिंच ऑफ हींग, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, छोटा सा अदरक, 1 टेबलस्पून चीनी, थोड़ा सा फ्रेश धनिया। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे फ्रेश मेथी, ये तकरीबन 1 बाउल है, हाफ कप फ्रेश धनिया। इसमें डालेंगे हमारी तैयार की हुई पेस्ट, 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, कोई भी न्यूट्रल तेल यानी कि दूसरा कोई तेल, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ऑयल है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। मूंगफली का तेल का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। फ्रेंड्स, ये पेस्ट में सारे मसाले हमने डाल दिए थे और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी हम आटा डालेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से मसलने से हमने इसमें नमक डाला है तो सारे जितने भी फ्लेवरफुल मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर लॉक हो जाएगा और हमारे मुठिये का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप बेसन, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, 2 टेबलस्पून रवा, 1/2 टीस्पून खाने का सोडा और 1/2 नींबू का जूस निकाल लिया है। अब सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर जरूरत पड़े तो ही हम पानी डालेंगे। अगर आपके पास गेहूं का कोस आटा है तो उसके बाद रवा डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गेहूं के आटे और बेसन से हो जाएगा। अभी हमारा मिक्सर ड्राई है इसीलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। अब एक बार टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक कम लगे तो इस स्टेज पर डाल सकते हैं। परफेक्ट, हमारा डो अच्छे से रेडी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए साइड पर रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है हम उंधिया के लिए पेस्ट बना लेंगे। अगेन एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप हरा लहसुन, थोड़े से पुदीने के पत्ते, इससे फ्रेशनेस बहुत अच्छी आएगी, 1 टेबलस्पून तिल, 2 टेबलस्पून मूंगफली, 1 टीस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, ये सूखे नारियल का बुरादा है, थोड़े से फ्रेश धनिया, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके मुठिये बना लेंगे। मुठिये की साइज ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है क्योंकि जब ये सब्जी के अंदर जाएंगे तो और भी ज्यादा फूलेंगे। सबसे जरूरी बात, यहाँ पर ज्यादातर लोग एकदम दबा दबा कर इसके सर्कल बनाते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ऐसा करोगे तो वो बीच में से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा तो आपके मुठिये अच्छे नहीं बनेंगे। उसको हल्के हाथों से हमें अच्छे से सर्कल बनाना है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं। देखिए हमारे मुठिये तैयार है, इसको डीप फ्राई करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब सारे मुठिये डाल देंगे। अब है टिप के बारे, अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इसको स्टीम कर लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल ढोकले स्टीम करते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसको स्टीम करना है। और एक बार स्टीम हो जाए उसके बाद आप अगर चाहे तो इसको
शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब एक मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम कर देंगे ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। वाओ, इसको ऐसे ही चाय के साथ भी खाने में बहुत मजा आता है। देखिए, इसके ऊपर थोड़े से क्रैक नजर आ रहे होंगे। ये क्रैक का मतलब है आपके मुठे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अंदर तक कुक हो गए हैं। अगर ये क्रैक आए तो समझ लेना आपके मुठे परफेक्ट है। अब इसको निकाल लेंगे। अब उंधियू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शकरकंद, आलू, सूरन और रतालू लिए हैं। उसको मैंने मीडियम साइज में डाइस कर लिया है। इसको एक साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इसको फ्राई होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। जिसमें हमने मुठे फ्राई किए थे उसमें ही हम सारी सब्जियां फ्राई करेंगे, क्योंकि ये एक फ्लेवरफुल तेल बन गया है। इसमें हम सब्जी फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट बेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आप सूरती उंधियू बनाए या फिर नॉर्मल गुजराती उंधियू बनाए, कोई भी उंधियू में ये 4 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका टेस्ट आपके उंधिये का पूरा जायका बदल देगा। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको निकाल लेंगे और बाकी की सब्जियां फ्राई कर लेंगे। सूरती पापड़ी और वालोर पापड़ी को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब्जियों का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पापड़ी के हम नसें निकाल कर उसको कट कर लेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये फूलगोभी है, उसको भी फ्राई कर लेंगे। थोड़े से बैंगन इसी के साथ डाल देती हूँ। गवार को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप अगर चाहे तो यहाँ पर कच्चे केले भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए, हमारे सारे कंपोनेंट रेडी है। अब बनाते हैं रजवाड़ी उंधियू। एक बॉल लेंगे, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। रजवाड़ी उंधियू बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप तेल। ये वही तेल है जिसमें हमने सब्जियां फ्राई की थी। 2 टेबलस्पून काजू को हम सौते कर लेंगे। अभी मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। 1 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून साबुत जीरा, पिंच ऑफ हींग और उसमें जाएगी अभी जो हमने रेड चिली पेस्ट बनाई वो। अब स्लो फ्लेम पर इसको सौते कर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुक करेंगे। देखिए, हमारा तेल अच्छे से रिलीज हो गया है। अब डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ ग्रीन पेस्ट। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए कुक करना है। परफेक्ट, अब हमारा तेल अच्छे से ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश मेथी, 2 टेबलस्पून हरा लहसुन, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा, ये कच्चे हरे मटर और हरे तूर के दाने हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और 1 कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारे मटर और तूर के दाने दोनों अच्छे से गल जाए। बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। परफेक्ट, देखिए ये अब अच्छे से कुक हो गया है। इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया, 4 से 5 मुठ्ठी को लेकर क्रम्बल कर लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
फ्रेंड्स बिलीव मी, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है उंधियों बनाने के लिए। और अब जाएगी हमारी फ्राई की हुई सब्जियां। वन कप पानी डालकर ढककर 5 मिनट तक अगेन कुक करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर सब्जियां में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। और अब जाएंगे हमारे सबके फेवरेट मुठिये। अब इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालकर इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पर ठंडा पानी कभी नहीं लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसको 7 या 8 घंटे के बाद यानी कि कुछ देर के बाद सर्व करने वाले हैं, तो इस वक्त ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हम उन्हें को सर्व करें उसकी 10 या 15 मिनट से पहले ही ये प्रोसेस करना है। थोड़े से तिल और किशमिश एक बार टेस्ट कर लेंगे। मुझे इसमें नमक और चीनी थोड़ा कम लगा, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक विसल लगाना है। सुपर्ब, देखिए अच्छे से ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा है। थोड़ा सा धनिया डालकर इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। अब हमारी सब्जी को और भी सुपर टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर हम डालेंगे मेरा स्पेशल तड़का। 3 टेबलस्पून मूंगफली का तेल, 1 टेबलस्पून अजवाइन, पिंच ऑफ हींग और 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब इसको हम पॉर करेंगे। फ्रेंड्स उंधियू बनाते वक्त हमने इसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसके ऊपर हम ये तड़का डालने वाले थे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़े से धनिए, काजू और सेव से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारा सुपर टेस्टी और डिलीशियस रजवाड़ी उंधियू। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो सब लोग आपकी वाह वाह करेंगे। तो चलिए इसी वाह वाह के साथ फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।